स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप Facebook का एक इम्पोर्टेंट सेटिंग करके आप Facebook का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम है, अगर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका Facebook का ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर नहीं खाली Facebook का ईमेल आईडी और पासवर्ड भी उसके पास होगा, फिर भी वो साइन अप नहीं कर पाएगा। इसी के सेटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि वो ईमेल आईडी और पासवर्ड भी साइन अप कर लेगा, उसके बाद आपको उस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, जो आप Facebook में ऐड कर चुके होंगे। तो अगर वो Facebook पे अगर आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर चुके होंगे तो वो कोड नंबर आपके मोबाइल पे आएगा। तो आपको कोई Facebook लॉगिन करना चाहेगा तो आपको कोड आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा से कोई आपका Facebook लॉगिन करना चाह रहा है। तो इस तरह से आप सतर्क हो सकते हैं, और उसका मोबाइल नंबर और मोबाइल क्या है, रियलमी XT है कि कौन है, वो मोबाइल नंबर और उसका नाम भी आपके सामने आ जाएगा। इसी के सेटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। इसके लिए आपको Facebook ओपन करना है। Facebook ओपन करने के बाद आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ऐसे आ जाएगा आपको सेटिंग, सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे जाने के बाद आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। सेटिंग और प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्राइवेसी शॉर्टकट ऐसे करके कुछ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करिएगा तो आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। थोड़ा नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, यूज टू फैक्टर ऑथेनेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि इसमें अगर आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा तो आपको पहले इसमें आपको Facebook का पासवर्ड डाल देना है। Facebook का पासवर्ड डाल देने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद आपको मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उस OTP को इस पर डाल दीजिएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका Facebook का ईमेल आईडी और पासवर्ड भी कोई ले लेगा, फिर भी आपका कोई Facebook यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि Facebook और ईमेल पासवर्ड डालने के बाद उस पर 6 डिजिट का एक OTP आता है, 1 टाइम पासवर्ड, जो आपके नंबर पर आएगा और वो नहीं डाल पाएगा। इसलिए आपको Facebook को यूज ना कर पाएगा, आप ही सिर्फ यूज कर पाएंगे। वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी Facebook वाले यूज लाभ उठा सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फुल वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।